यहाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को जो है एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप यूएस का यानी अमेरिका का वर्क वीजा ले सकते हो। यहाँ दोस्तों, अमेरिका जाने का देखिए बहुत सारे लोगों का ड्रीम है, बहुत सारे लोग जो है अमेरिका जाना चाहते हैं, बट उनको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट एजेंसी या एम्प्लॉयमेंट एजेंसी नहीं मिल पा रही जो उनको अमेरिका का वर्क वीजा दिलवा दे। तो आज की इस वीडियो में मैं जो आपको एम्प्लॉयमेंट से बताने वाला हूँ, एजेंट बताने वाला हूँ, एजेंसी बताने वाला हूँ, 100% जेन्युइन है, कोई स्कैम नहीं होगा। बहुत कम सर्विस चार्ज में आपको अमेरिका का यानी यूएसए का आपको वीज़ा मिलेगा, वर्क परमिट मिलेगा। देखो, अमेरिका की गवर्नमेंट ने अलग अलग टाइप के वीज़ा शुरू किए हुए हैं फॉरेन वर्कर्स के लिए, जिनके थ्रू आप अमेरिका जा सकते हो। बट जैसा कि आप सभी लोगों को पता हो कि अमेरिका जाना इतना ईजी नहीं है, और बहुत सारे लोग तो हमारे इंडिया के जो डोंकी मार कर अमेरिका जाते हैं, बट डोंकी मार कर चले तो जाते हैं वहाँ पे, बट जब वहाँ कोर्ट में जाते हैं उनको असाइलम नहीं मिलता है तो वापस उनको इंडिया भेज दिया जाता है, तो वापस उनको इंडिया, भारत, हिंदुस्तान वापस भेज दिया जाता है। और वो जो है जो हमारे इंडिया के एजेंटों को 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपये देते हैं, वो सब का सब डूब जाता है, उनको वो पैसा भी वापस नहीं मिलता है। तो आज की इस वीडियो में जो एजेंट्स मैं बताने वाला हूँ, बहुत अच्छी एजेंसी, इनके थ्रू आप अपना वीजा प्रोसेस करवा सकते हो। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन करना होगा। तो दोस्तों, मैंने गूगल पर आकर सर्च किया है रिक्वायरमेंट एजेंसीज इन यूएसए फॉर फॉरेन वर्कर्स, यानी अमेरिका में वो ऐसी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज कौन सी है, कौन सी वो ऐसी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है जो बाहर के लोगों को भी जॉब प्रोवाइड कराती है, वीजा प्रोवाइड कराती है। ये मैंने लिखकर यहाँ पर सर्च किया है। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखकर सर्च किया, यहाँ पर मुझे देखिए एक लिस्ट देखने के लिए मिलेगी। नीचे मैं थोड़ा सा जब स्क्रॉल अप करूँगा, ये देखिए लगभग यहाँ 10 से 12 एम्प्लॉयमेंट एजेंसी का नाम आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है। और ये वो ऐसी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है जो फॉरेन वर्कर्स को यानी बाहर के लोगों को भी वीज़ा सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, यानी वीज़ा दिलवाती है, वर्क परमिट दिलवाती है। तो इन सभी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी का नाम मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐड कर दूंगा, ताकि आप जो हैं डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई कर पाएं इन सभी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में। और मैं सभी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक भी ऐड कर दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। डायरेक्टली आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाना, सभी लिंक्स मिल जाएंगे, और इन सभी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के थ्रू आप जो है वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, वो है कैली सर्विसेज, उसके बाद में है रेड स्टेट मैन्युफैक्चरिंग एज लॉजिस्टिक, उसके बाद में एडिको स्टाफिंग है, एरोटेक है, उसके बाद रॉबर्ट हाफ है, इंटरग्रिटी स्टाफिंग है, के फोर्स पे काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी हैं। सभी के जो लिंक्स हैं मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप यो तो दोस्तों यहाँ तो यहाँ तो यहाँ पर जो आप लोग सेकंड वाली एम्प्लॉयमेंट एजेंसी देख रहे हैं, रैन स्टेट मैन्युफैक्चरिंग एज लॉजिस्टिक्स, इस वाली एम्प्लॉयमेंट एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको लेकर चलूँगा। यहाँ पर देखिए एक इस तरह से ऑप्शन आपको देखने को मिला, रेड स्टेट यूएसए टेम्पर एज स्टाफिंग, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है इस एम्प्लॉयमेंट एजेंसी की। ये जो जितनी भी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों, आपको सब एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जो है जेन्युइन है, कोई भी फेक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी नहीं है, सारी की सारी जो एजेंसी है एम्प्लॉयमेंट एजेंसी सब ओरिजिनल है, ना आपको 100% वीज़ा प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल अप करूँगा मैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज़ का, ठीक है, ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक कर लिया मैंने, नेक्स्ट पेज में आ चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको इस तरह से ऑप्शन देखने को मिला है इन डिमांड सेक्टर्स, तो पहला जो हमारा सेक्टर है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक का, यहाँ पर जो सेक्टर बता रहे हैं ना इन डिमांड सेक्टर्स, ये वो सेक्टर हैं जिनमें अमेरिकन कंपनीज को बाहर के लोग चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक हो गया, उसके बाद में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, हेल्थ केयर, ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजीज एंड लाइफ साइंसेज, ये ऐसे सेक्टर हैं जिनमें वर्कर्स की रिक्वायरमेंट डिमांड है। तो पहला जो सेक्टर है हमारा वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक का। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी जॉब आई थिंक होगी जो इस एम्प्लॉयमेंसी के थ्रू मिल रही होगी लोगों को।
ये देखिए दोस्तों, सबसे जो पहली जॉब है वो है असेंबलर्स एंड फैब्रिकेटर्स के लिए, ठीक है। लगभग लगभग 1900 समथिंग कुछ जॉब्स ओपन होने वाली है 2031 तक, और लगभग ज़्यादा जॉब वैकेंसी थे जो कि 2031 तक यूएस में निकलने वाली है। उसके बाद फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हो गया, ये भी जॉब इनके पास अवेलेबल है। मटेरियल हैंडलर हो गया, पिकर पैकर की जॉब हो गई, ठीक है। तो पिकर पैकर का तो ऐसा काम होता है कोई भी बंदा इसको कर सकता है, जो कम पढ़ा लिखा है या जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वो भी बंदा इसको कर सकता है, नॉर्मल काम होता है। तो यहाँ पर देखिए वेल्डर के लिए भी जॉब निकली हुई है, वेयरहाउस वर्कर के लिए भी दोस्तों जॉब निकली हुई, ठीक है। सब अमेरिका में जॉब निकली हुई है। तो हम अप्लाई कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने मिलेगा अबाउट द दिस जॉब का, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। सारी डिटेल आपको देखने के लिए मिलेगी कि जैसे इसमें काम क्या रहेगा, कितने घंटे काम करना होगा, क्या सैलरी आपको कंपनी दे रही है, क्या एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सब चीज़ें यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है, ठीक है। तो आप जो है इसमें काफ़ी इजीली दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। और इसी तरह से देखिए यहाँ पर बहुत सारी जॉब वैकेंसी, और इसी तरह से यहाँ पर काफ़ी सारी इम्प्लॉयमेंट थी। तो इन इम्प्लॉयमेंटेंसी में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कीजिए, इनके थ्रू दोस्तों इन इम्प्लॉयमेंटेंसी के थ्रू आपको वीज़ा मिल सकता है यूएसए का, अमेरिका का, काफ़ी अच्छी इम्प्लॉयमेंटेंसी है। तो आपके पास एक अच्छा चांस है, आप जो इनके थ्रू वीज़ा ले सकते हो। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको इम्प्लॉयमेंट बताई है, इनके थ्रू आप वीजा ले सकते हो अमेरिका का। काफी अच्छी इम्प्लॉयमेंट है, 100% जेनुअन काम होगा आपका। बट अगर आपकी स्किल्स अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है, तभी आपको यूएसए का वीजा मिल सकता है। आप एक स्किल या हाईली स्किल कैटेगरी के वर्कर हो। और दोस्तों वीडियो के एंड में मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि देखो अगर आपने आईलेट्स नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए। अगर आप अमेरिका, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, लग्जमबर्ग जाना चाहते हैं, तो आईलेट्स जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि इन कंट्री में वीजा लेने के लिए आपको आईलेट्स जरूर करना होगा, क्योंकि आईलेट्स के बिना आप इन कंट्री 90% जो मैं बताना चाहता हूँ वीजा नहीं ले सकते।